नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको मेवा पाक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हुई है। देखिए कितनी बढ़िया देखने में लग रही है, ये बहुत ही पौष्टिक है। और इसको आप बनाइए और कान्हा जी को इस जन्माष्टमी में भोग लगाइए, जिससे कान्हा जी खुश हो जाएंगे। और आपकी आप ये रेसिपी को देखिए किस तरह से मैंने बनाई। कढ़ाई पे मैंने आधी चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने 3-4 चम्मच बादाम के डाल दिए हैं। मीडियम आंच में मैं इनको भून रही हूँ, मीडियम आंच में ही भूनना है, जिससे ये बहुत ही अच्छे कुरकुरे से हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से अलटते पलटते हुए मैंने बादाम को भून लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी कटोरी से 1 कटोरी मखाने ले लिए हैं, इनको भी मैं मीडियम आंच में, जो घी उसमें थोड़ा सा बचा था उसी में इसको भूनूंगी, इसके लिए अलग से घी नहीं डालना है, मीडियम आंच में भूनना है। इसको भूनते हुए 7 से 8 मिनट का टाइम लगा हुआ है। ये मीडियम आंच में आप पलटते हुए इसे भूनेंगे, तभी ये क्रंची से बन के तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने मखाने भी भून के निकाल दिए हैं। फिर से मैंने पैन पे थोड़ा सा घी डाल के किशमिश को इसमें डाल दिया है, और किशमिश को हम इसमें मीडियम आंच में किशमिश को भी भून लेंगे। किशमिश भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इस रेसिपी में इसे डालिए और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ज़रूर बनाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा मकसद हमेशा ये रहता है कि हम आसान सी रेसिपी और घर में जो भी सामग्री है उसी से बना के तैयार करें। हम कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं डालते जिसका सामान आपको आसानी से उपलब्ध न हो। इसके लिए मैंने एक गरी थी घर में मेरे पास, मैंने उसको कद्दूकस कर लिया। जो टुकड़े थोड़े मोटे मोटे बच गए थे, कद्दूकस नहीं हो रहे थे, उनको चाकू से काट भी लिया है। इनको भी मैं बिना घी के ही भूनूंगी मीडियम आंच में। ये देखिए मीडियम आंच में भूनते हुए थोड़े मेरे पास खरबूजे के बीज थे, उसमें काजू के टुकड़े भी थे, उनको भी मैं इसी में भूनूंगी, क्योंकि अलग से खरबूजे के बीजों को मैं भूनूंगी तो वो चटकने लगेंगे और इधर उधर फैल जाएंगे। तो गरी के साथ ही मैंने खरबूजे के बीज भी भून लिए हैं। देखिए इस तरह से एक से दो मिनट का टाइम मेरा खरबूजे के बीज डालने के बाद मैंने इसको भूना है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच करीब गोंद ले रही हूँ, आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच गोंद का इस्तेमाल किया, इसको भी हम भून लेंगे, ये अच्छे से फूल जाएगा भूनते हुए मीडियम आंच में। इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी डाला था। ये देखिए इस तरह से गोंद को हमने अलटते पलटते हुए मीडियम आंच में भून लेना है। देखिए आपको लग रहा होगा इसका कलर चेंज हो रहा है, ये फूल रहे हैं बढ़िया से, ये भी हमारी रेसिपी के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी सामग्री मेरे पास है आप सारा इस्तेमाल कीजिए। कोई ड्राई फ्रूट, आपके काजू आपके पास है, मेरे पास नहीं है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फूल के कितने बढ़िया हो गए। जो मखाने थे हमारे भुने हुए, मैं कटोरे की सहायता से उन्हें तोड़ूंगी, मिक्सी में तोड़ूंगी तो वो बिल्कुल महीन पाउडर बन जाएगा, मुझे महीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं कटोरे की सहायता से या किसी भारी बर्तन की सहायता से इसे तोड़ लूँगी, चाहे आप हाथ से भी इन्हें तोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने मूंगफली ले ली है 4 चम्मच करीब, इसको भी हम बिना ऑयल के या बिना घी के भून लेंगे। ये देखिए मीडियम आंच में हमने मूंगफली को भूनना है, हल्का हल्का ये चटकने लगे तो हमने इन्हें निकाल लेना है। मूंगफली भून के निकाल दी है, फिर से हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम 1 कटोरी से, नाप हमारी देखिए 1 कटोरी, जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी डाला है उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी चीनी को पहले से प्लेट में निकाल के रख लिया था। तो 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाल के हम एक तार की चाशनी यहाँ पर तैयार करेंगे। जो गोंद हमने भूना था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। देखिए हमारी चाशनी इस तरह से बन के तैयार हो रही है, एक तार की चाशनी आपको दिख रही होगी, ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना है, आँच को बहुत कम कर लेना है। और जो ड्राई फ्रूट हमने सारे दरदरे पीस लिए हैं या कोट लिए हैं उन्हें हम इसमें डालेंगे। देखिए हमने गरी डाल दी, गोंद डाल दिया, मखाने डाल दिए हैं, और ड्राई फ्रूट का बादाम जो थे मेरे भुने हुए मैंने उन्हें महीन महीन काट लिया था, मूंगफली को मैंने कूट लिया था। इस तरह से सारा मेवे को इसमें डालते हुए मीडियम आंच में मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। चाशनी को पहले हमने एक ही तार से की बनानी है, उसके बाद इसे पकाते हुए इसे, इसका पानी जब तक पूरी तरह सोख न जाए, हमने यहाँ पर किशमिश भी डाल दिया है। अब किशमिश देखिए इसमें पड़ते ही और फूल जाएंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट मैंने पकाया, इस तरह से गाढ़ा हो चुका है।
अब मैं इसे एक प्लेट में या किसी पैन पे घी लगा के इसको पलट दूंगी। ये बढ़िया से एक केक की तरह बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं, उसे फेंक देंगे, क्या कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसमें डाल के इसको अच्छे से ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद इसको हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के बाद, और इसको बढ़िया से पलट के